रोमन अन्योकाश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कल 31 मई को BDS और US प्रेसिडेंट जो बाइडेन की मीटिंग होने वाली थी, जिसे लेकर ग्लोबल आर्मी एक्सट्रीमली एक्साइटेड थी। और ये तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि BDS और US प्रेसिडेंट की मीटिंग एक प्राइवेट मीटिंग होगी जिसमें मीडिया अलाउड नहीं होगी। लेकिन BDS मेंबर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी स्पीच दी जो कि अमेजिंग थी। हालांकि यहां भी मीडिया को BDS से क्वेश्चंस पूछने की परमिशन नहीं दी गई। तो क्या कहा BDS मेंबर्स ने अपनी स्पीच में और क्या थे इसके हाइलाइट्स, ये हम आपके साथ शेयर करें। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए जिससे BDS की कोई भी लेटेस्ट न्यूज आपसे मिस ना हो। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस की स्पीच के बाद शायद BDS मेंबर्स ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उन्हें कभी व्हाइट हाउस में स्पीच देने का मौका मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब बात BDS की हो तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो ऐसा ही कल हुआ, या कहें 1 जून की नाइट 12:30 AM पर हुआ, जब US की ऑलमोस्ट सभी मीडिया एजेंसीज के सामने BDS लीडर और हमारे डिंपल बॉय RM ने अपनी स्पीच की शुरुआत करते हुए कहा, डियर BDS, आज हमें व्हाइट हाउस में इनवाइट किया गया, ये हमारे लिए ऑनर की बात है। आगे RM ने कहा कि US प्रेसिडेंट ने हमें एंटी एशियन हेट क्राइम जैसे इम्पोर्टेंट एंड सेंसिटिव इशू के डिस्कशन में शामिल किया, इस ऑनर की हम रेस्पेक्ट करते हैं। आगे किम सब जिन ने कोरियन लैंग्वेज में कहा कि आज AANHPI हेरिटेज मंथ का लास्ट डे है जिसे सेलिब्रेट करने के लिए हम सभी शामिल हुए हैं। आगे जिमिन ने कहा कि कुछ टाइम से एशियन हेट और एशियन क्राइम से रिलेटेड काफी इंसिडेंट सामने आए हैं जिसे हम सभी को मिलकर रोकने और इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। इसके बाद जे होप ने कहा कि हम अपनी आर्मी का दिल से धन्यवाद करते हैं जो अलग अलग कल्चर और नेशनैलिटी के होने के बाद भी हमेशा हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहती है। इसके बाद हमारे गोल्डन मार्कने ने कहा कि हम इस बात से शॉक्ड हैं कि साउथ कोरियन आर्टिस्ट को दुनिया भर में इतना पसंद किया जा रहा है और हम अपनी म्यूजिक की हेल्प से दुनिया भर में अपनी आवाज पहुंचाने में सक्सेसफुल हुए हैं जिसने सभी बैरियर्स तोड़कर आर्मी के दिलों में जगह बनाई है। इसके बाद शुगा ने कहा कि अलग होना गलत नहीं है और इक्वालिटी जब शुरू होती है जब हम सभी डिफरेंसेस को दिल से मिटा देते हैं, यानी सभी डिफरेंसेस को मिटाते हुए सभी को एक्सेप्ट करना ही इक्वालिटी है। इसके बाद सबसे लास्ट में वी ने कहा कि हर एक कल्चर और पर्सन का कोई ना कोई पास्ट होता है जिसकी हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए और उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद RM ने स्पीच खत्म करते हुए कहा कि व्हाइट हाउस और US प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया और यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी स्टेज पर बुलाया, इसके लिए हम सभी उनके थैंकफुल हैं। और इसके साथ ही हमारे बांगतन बॉयज की स्पीच खत्म हो गई। हालांकि वहाँ बैठी मीडिया BDS मेंबर से क्वेश्चन पूछना चाहती थी लेकिन मीडिया को इसकी परमिशन नहीं दी गई। इसके अलावा US प्रेसिडेंट के साथ BDS मेंबर्स की मीटिंग से रिलेटेड एक स्मॉल वीडियो और कुछ पिक्चर्स रिवील किए गए जिसे देखकर समझा जा सकता है कि हमारे बांगतन भाई US प्रेसिडेंट से मिलकर कितना प्राउड फील कर रहे थे। साथ ही हमेशा की ही तरह हमारे बॉयज गुड लुकिंग और कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। तो दोस्तों, आपको BDS मेंबर्स की स्पीच कैसी लगी हमारे साथ शेयर करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड सारंगेओ।